एक बूढ़े पिता ने कहा कि इस जगह हल चला दो। ऐसा क्यों कहा होगा? क्या आप जानते हो कि जीवन में कोई चीज या ज्ञान का मिलना कभी भी बेकार नहीं जाता। बड़े बूढ़ों का ज्ञान हमेशा भविष्य की योजनाएं, अच्छे बुरे, लाभ आने की जानकारी पहले ही दे देता है। घर के बड़े बूढ़ों का अनुभव हमेशा हमारे काम आता है, इसलिए वृद्ध लोगों का सम्मान करें। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बुजुर्गों का अनुभव। इसी पे आधारित ये लोक कथा है। इस कथा के अनुसार किसी राज्य में एक जवान व्यक्ति राजा बना। उसने मंत्रियों को आदेश दे दिया कि बूढ़े लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं, ये हमेशा बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं करते। इनकी वजह से राज्य का पैसा बर्बाद होता है, सभी बूढ़ों को मृत्युदंड दे दो। ऐसे आदेश से राज्य के बूढ़ों को मालूम हुआ तो वे रातों रात दूसरे राज्य में चले गए। एक गरीब लड़का अपने पिता से बहुत ही प्रेम करता था। उसके पास इतना धन नहीं था कि वह दूसरे घर छोड़कर या दूसरे राज्य में छोड़कर आ सके, इसलिए उसने अपने पिता को घर में ही छिपा लिया। कुछ दिनों बाद उस राज्य में अकाल पड़ गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि उस प्रजा के खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। उन दिनों भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। गरीब लड़के ने अपने बूढ़े पिता से अकाल से निपटने का उपाय पूछा। उसके पिता ने कहा कि राज्य से कुछ ही दूरी पर हिमालय स्थित है। गर्मी से हिमालय की बर्फ पिघलने लगेगी और वहाँ का पानी उस राज्य की ओर बहता हुआ आएगा। वह पानी आए इससे पहले तुम एक काम करो, राज्य के दोनों मार्ग दोनों तरफ हल चला दो। लड़के राज्य के लोगों को ये उपाय बताया लड़के ने, लेकिन किसी ने उसकी विश्वास नहीं किया। लड़के ने अकेले ही रास्ते पर दोनों तरफ हल चला दिया। जल्दी ही हिमालय का पानी राज्य के रास्ते पर आ गया। कुछ दिनों में राज्य की सड़कों पर अनाज के पौधे उगाए। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उस गरीब लड़के को दरबार में बुलाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि ये अनाज के उगाने का ये उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा कि महाराज, ये उपाय मेरे पिता ने बताया था। आपने जब बूढ़े को मारने का आदेश दिया था तो मैंने उन्हें अपने घर में ही छिपा लिया था। ये सुनकर राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया। बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे राज्य से लोग अपने खेतों से अनाज अपने घर ले जाते थे और कुछ लोग दूसरे राज्य अनाज बेचने जाते थे, तो अनाज के कुछ दाने रास्ते के दोनों ओर गिर जाते थे। जब मेरे बेटे ने रास्ते के दोनों तरफ हल चलाया और हिमालय का पिघला हुआ पानी वहाँ पहुँचा तो वो दाने अंकुरित हो गए और अनाज उगाया। बूढ़े व्यक्ति की ये बात सुनकर राजा को अपने आदेश पर पछतावा हुआ और राज्य से गए हुए सभी बूढ़े लोगों को वापस अपने राज्य में बुलवा लिया। तो इस कथा की ये सीख है कि बड़े बूढ़े लोग बेकार नहीं होते। उनका अनुभव हमारी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से हमें बचा सकता है, इसलिए वृद्ध लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी कदर करना, उनसे अनुभव लेकर भविष्य की रचना करना ही मनुष्य धर्म है। तो दोस्तों, ये कहानी थी बुजुर्ग के अनुभव का पर आधारित कि किस प्रकार से उसने ज्ञान देकर अपने राज्य को अकाल से मुक्त कराया। आशा करती हूँ ये छोटी सी मोरल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कहानी वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।